नमस्कार, मेरा नाम राजीव नामदेव है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म क्या है। यह टॉपिक काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन विषय के अंतर्गत मैकेनिकल एवं अलाइड ब्रांचेज में श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज इंदौर में पढ़ाया जाता है, जो कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से एफिलेटेड है। यह विषय मुख्यतः थर्ड सेमेस्टर ऑटोमोबाइल मैकेनिकल और प्रोडक्शन डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमारे जो उद्देश्य हैं उसमें हम ये जानेंगे कि इस वीडियो को देखने के पश्चात विद्यार्थी समझ सकें कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्या है, इसको हम रिमेम्बरिंग लेवल इमेजेस के द्वारा समझाएंगे तथा अंडरस्टैंड लेवल पर ये जान सकें कि इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है। इस प्रकार हम की कॉन्सेप्ट जो कवर कर रहे हैं वो है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर QRM मैकेनिज्म तथा इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। आप इस वीडियो हाइपरलिंक को क्लिक करें अथवा कॉपी और पेस्ट करके न्यू टैब में भी देख सकते हैं। इसमें आप यह वीडियो मेरे द्वारा ही बनाया गया है। इसमें आप वीडियो को केवल 1.07 मिनट तक देखें तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। लेट्स रिकॉल, हम पहले रिकॉल करें कि सिंगल सर्वर क्रैंक मैकेनिज्म में हमने क्या देखा था। इसमें सबसे पहले एक लाइन ऑफ स्ट्रोक थी और सिलेंडर तथा क्रैंक केस था, जिसको कि हमने लिंक वन फिक्स्ड लिंक के रूप में जाना था। इसके पश्चात लिंक दो के रूप में हमारे पास क्रैंक थी। ये क्रैंक का पाथ ऑफ रोटेशन है, जिसको हमने लिंक टू क्रैंक बोला है, तथा लिंक तीन जो कि कनेक्टिंग रॉड के रूप में हम जानते हैं, ये लिंक थ्री थी, और लिंक चार हमारा ये पिस्टन है। इस प्रकार से जो ओरिजिनल काइनेमेटिक चेन है, जिसमें कि हम चार लिंक का उपयोग करते हैं, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब हम पेयर्स देखें। पेयर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक में स्लाइड करता है, अतः ये एक पेयर ए स्लाइडिंग पेयर बनाता है। दूसरा गजन पिन, जो कि कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड को पिस्टन से कनेक्ट करती है, ये हमारी टर्निंग पेयर पेयर बी होती है। इसी प्रकार से क्रैंक पिन हमारे को पेयर सी टर्निंग पेयर देती है, जो कि कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड और क्रैंक को जोड़ती है, तथा अंत में चौथा पेयर जो है वह भी टर्निंग पेयर है, जो कि हमारी क्रैंक शाफ्ट को बेयरिंग से क्रैंक केस से जोड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंगल सर्वर क्रैंक मैकेनिज्म में चार लिंक है। लिंक नंबर वन फिक्स लिंक, लिंक नंबर टू क्रैंक, लिंक नंबर तीन कनेक्टिंग रॉड और लिंक नंबर चार पिस्टन, तथा चार लोअर पेयर हैं स्लाइडिंग पेयर ए और अन्य तीन टर्निंग पेयर। अब हम जानेंगे कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर QRM मैकेनिज्म कैसे है। यहाँ पर हमने लिंक नंबर एक को फिक्स कर दिया है। लिंक नंबर एक जो हमारी पहले फिक्स थी, वो अब हमारी स्लॉटेड लीवर के नाम से जानी जा रही है। लिंक नंबर दो हमारी पूर्व की तरह क्रैंक है और ये उसका रोटेशन ऑफ पाथ है, लिंक नंबर दो, जबकि लिंक नंबर तीन पहले जो कनेक्टिंग रॉड हुआ करती थी, अब हमने उसको फिक्स कर दिया। इस प्रकार पूर्व में लिंक नंबर वन जो फिक्स थी, उसको हमने लिंक नंबर तीन फिक्स में किया है, इसलिए हम इसको इन्वर्जन ऑफ सिंगल सर्वर क्रैंक मैकेनिज्म के रूप में भी जानते हैं। अंत में जब हमारा पिस्टन जो था वो यहाँ पर पिस्टन ना होकर के लिंक नंबर चार स्लाइडर के रूप में है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि चार लिंक हो गई हमारी। लिंक नंबर वन, नंबर ऑफ लिंक्स वही है, केवल अंतर यह है कि पहले जो लिंक नंबर वन हमारी फिक्स्ड हुआ करती थी सिलेंडर बॉडी और क्रैंक केस के रूप में, उसको अब हमने स्लॉटेड लीवर का वर्क दे दिया है, जबकि लिंक नंबर तीन जो कनेक्टिंग रॉड हुआ करती थी, उसको हमने फिक्स कर दिया है। पेयर्स के बारे में भी देख लें कि यहाँ पर स्लाइडर जो है स्लॉटेड लीवर में रेसिप्रोकेट करता है और इसका वही पेयर ए स्लाइड है, स्लाइडिंग पेयर है, जबकि अन्य तीन पेयर आप देखेंगे कि लिंक पेयर बी टर्निंग है, पेयर सी भी टर्निंग है और अंत में पेयर डी भी टर्निंग पेयर है। तो आप इसमें एक मुख्य बात क्या देख रहे हैं, परिवर्तन, मुख्य परिवर्तन कि हमने यहाँ पर पूर्व में फिक्स की गई लिंक को फ्री किया है, जबकि लिंक नंबर तीन जो हमारी कनेक्टिंग रॉड हुआ करती थी, हमने उसको फिक्स किया है। तो इस प्रकार से मुख्यतः यह है दोनों लिंक में, दोनों मैकेनिज्म में कि चार काइनेमेटिक लिंक्स हैं और चार काइनेमेटिक पेयर। अब हम जाने इन्वर्जन के बारे में कि इन्वर्जन क्या होता है।
किसी भी सेम काइनेमेटिक चेन की यदि हम डिफरेंट लिंक्स को फिक्स करते जाएं तो हमको डिफरेंट मैकेनिज्म प्राप्त होते हैं जिनको हम मैकेनिज्म का इन्वर्जन या उत्क्रमणी के नाम से जानते हैं। जितने भी नंबर ऑफ लिंक्स होंगे हमको उतने ही नंबर ऑफ मैकेनिज्म प्राप्त होंगे। अल्टरनेटिवली हम वन बाय वन लिंक को फिक्स करते जाएंगे। ऑल अदर मैकेनिज्म एक्सेप्ट द ओरिजिनल मैकेनिज्म विल बी नोन एज इन्वर्जन ऑफ ओरिजिनल मैकेनिज्म। ओरिजिनल मैकेनिज्म के ये उत्क्रमणी कहलाएंगे। इन्वर्जन की एक और खास बात है कि इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म में मोशन ऑफ इट्स लिंक्स रिलेटेड टू ईच अदर चेंज नहीं होता है। अब हम देखें हमारे केस में क्या हो रहा है। आपने अभी देखा कि सिंगल सेलुलर क्रैंक मैकेनिज्म और क्रैंक एंड सिलेंडर लीवर QRM को हम इन्हीं बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे पुनः कि इनमें दोनों में काइनेमेटिक चेन विथ फोर लिंक्स एंड फोर लिंक फोर लोअर पेयर। आप देख रहे हैं चार लिंक, लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री, लिंक फोर सिंगल सेलुलर क्रैंक मैकेनिज्म में भी है और यही लिंक चार, लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री और लिंक फोर क्रैंक एंड सिलेंडर लीवर QRM में भी है। पेयर्स एक स्लाइडिंग सिंगल स्लाइडर में भी है और क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर QRM में भी है, जबकि अन्य तीन टर्निंग पेयर जो कि सिंगल स्लॉटेड क्रैंक मैकेनिज्म है वही भी तीन टर्निंग पेयर यहां पर है। इस प्रकार से एक ही काइनेमेटिक दोनों मैकेनिज्म एक ही काइनेमेटिक चेन के हैं जिसमें कि चार लिंक और चार लोअर पेयर है। इसमें सिंगल स्लॉटेड क्रैंक मैकेनिज्म को हम ओरिजिनल मैकेनिज्म के रूप में जानते हैं, जबकि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर को हम सिंगल स्लॉटेड क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन के रूप में जानते हैं जिसमें हम थर्ड लिंक को फिक्स करते हैं। ये आप थर्ड लिंक देख रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों मैकेनिज्म में जो लिंक मोशन है लिंक्स रिलेटिव टू ईच अदर यह परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में अभी तक जाना कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर QRM क्या है, जिसको हम इमेज के माध्यम से भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें चार लिंक हैं, कौन कौन सी लिंक हैं, चार पेयर हैं, कौन कौन से पेयर हैं और यह इन्वर्जन क्यों है। क्यों? क्योंकि सिंगल स्लॉटेड क्रैंक मैकेनिज्म में लिंक नंबर जो फिक्स थी उसको हमने यहाँ पर फ्री कर दिया है, स्लॉटेड लीवर नाम दिया है, जबकि लिंक नंबर तीन जो पहले कनेक्टिंग रॉड हुआ करती थी उसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे उद्देश्य थे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे, वो समझ सके होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।